Dear students of class 1 and respected parents, assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at home. I'm your English teacher from Junior Campus High School, and today I'm going to deliver you a lecture from your New Oxford Modern English workbook. So please beta, open your workbook and go to the page number 32. Okay beta. आपके पेज नंबर 32 पे सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, डेट लिखेंगे. एंड टुडे इज 18th of September 2020. और आप क्लास बुक मेंशन करेंगे. आज हमने वर्कबुक के दोनों पेजेस करने हैं, यानी पेज नंबर 32 एंड 33 ऑन द बस. इसका हम वर्कबुक का काम करने वाले हैं, तो आप दोनों पेजेस पे क्लास को डेट मेंशन कर लीजिए. तो बेटा इस तरह से आपने दोनों पेजेस पर क्लास वर्क और डेट मेंशन कर ली, ठीक है. नाउ रीड योर टाइटल ऑन द बस. अब हम इससे रिलेटेड काम करने वाले हैं, जैसे कि हमारा पार्ट ए है मिसेस अलीस अम्ब्रेला. अब आपने ये चीज़ नोट की, अलीस, मिसेस अलीस अम्ब्रेला, इसका मतलब है कि मिसेस अली का अम्ब्रेला, ठीक है. यानी अब हम मिसेस अली के किसी चीज़ की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हमारा क्या हुआ, यानी हम जब किसी की पोजेशन को शो कर रहे हैं, का की के को शो कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, ठीक है. इसी तरह से आप नीचे एग्जांपल्स को देखिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी. आप कहते टॉक अबाउट द पिक्चर्स, नाउ लुक एट द पिक्चर्स, देयर इज़ अ बॉय, हिज नेम इज़ रेहान. अब देखिए आपको उसके पास बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे बुक्स हैं, पेन है, फ्रॉग है, ठीक है. हम उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे. नाउ लुक एट योर सेकंड पिक्चर, देयर इज वीना, ठीक है. अब आप इसी तरह से वीना को डिस्कस करेंगे, उसके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं. शी हैज़ बैग, डॉग, ठीक है. इस तरह से आप इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ऊपर वाले पैटर्न को अब हम यूज़ करेंगे. और इसका तरीका क्या है, अब वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, हुज इज़ इट. हुज इज़ इट का मतलब है कि आपके पास कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और आप वो पूछ रहे हैं कि ये कौन सी चीज़ किसकी है, ठीक है. नाउ लुक एट द पिक्चर्स, देयर इज़ अ वॉच, शर्ट, पेन, फ्रॉक एंड बॉक्स, ठीक है, रिबन्स, डॉग, बुक्स एंड अ बैग, ठीक है. नाउ लुक एट द स्टेटमेंट, राइट टू सेंटेंसेस अबाउट ईच पिक्चर बिलो. अब आपने हर तस्वीर के बारे में दो दो जुमले लिखने हैं और वो एक एक उन्होंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया है. जैसे अब आप देखें, देयर इज़ अ वॉच. अब उसके लिए हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ अ वॉच, दिस इज़ अ वॉच. अब किसकी वॉच है, आपने ऊपर देखा था ना, यहाँ पे रेहान भी है, वीना भी है, तो किसके हाथ में है वॉच, यस, रेहान के हाथ में. तो अब हमने क्या लिखा हुआ है, इट इज़ रेहान्स, रेहान्स मीन्स ये रेहान की है, ठीक है. इसी तरह से देखिए, अब वो कहते हैं दीज आर रिबन्स. अब दीज क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, तो हमने दीज आर रिबन्स, रिबन्स लिखा, प्लूरल के लिए हमने दीज आर लगाया. अब ये रिबन्स किसके हैं, देखिए, यस, गुड, दे आर वीनास, ये वीनास के रिबन हैं, ठीक है. बिल्कुल इसी तरह से हम इन पिक्चर्स के बारे में सेंटेंसेस लिखेंगे. जैसे अब हम शर्ट का लिख लेते हैं, तो अब हम सबसे पहले क्या कहेंगे, दिस इज़ अ शर्ट. आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, इस चीज़ को आपने याद रखना है, और लास्ट पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, यानी आपने पंक्चुएशन का ध्यान रखना है. दिस इज़ अ शर्ट. वो कहते हैं हुज इज़ इट, ये किसकी है, तो आप क्या कहेंगे, किसकी शर्ट है ये, देखिए, यस, वेरी गुड, इट इज़ रेहान्स, ये तो रेहान की है, तो अब हम लिखेंगे इट इज़ रेहान्स, ये रेहान की है, ठीक हो गया. अब नेम जब हम लिखते हैं सेंटेंस में, तो चाहे वो स्टार्ट में है या मिडल में आए या लास्ट में, तो हमेशा नेम जो होते हैं बेटा वो कैपिटल लेटर्स से हम लिखते हैं. जैसे मैंने रेहान का लिखा है, ठीक है, दिस इज़ रेहान्स, तो यहाँ पे आप रेहान्स लिखेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा. तो बेटा देखिए, मैंने इसको इरेज कर लिया मिस्टेक को, अब आपने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कॉमा डाला, एस लिखेंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है. बिल्कुल इसी तरह से अब हम एक यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. अब हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ डॉग, दिस इज़ अ डॉग,
लेटर आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा। और याद रखना है कि जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ डॉग, नाउ टेल मी हूज इज इट, लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट द पिक्चर्स बेटा, हूज इज इट, किसका है ये डॉग। यस वेरी गुड, देखिए इट इज वीनस, इट इज वीनस। अब हमने इट इज लिखकर वीनस लिखना है, और अभी मैंने आपको बताया था जब हम नेम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है, तो अब हमने वीनस लिखना है, ठीक है। वी कैपिटल हुआ और वीना के साथ आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और फिर फुल स्टॉप लगाना है, ठीक हो गया। अब बेटा नीचे इसी तरह से पिक्चर से पेन, आप इसको बॉक्स या फ्रॉग दोनों तरह से लिख सकते हो कि दिस इज़ अ फ्रॉग या दिस इज़ अ बॉक्स, इट इज़ रेहान्स। अब रेहान का ये बॉक्स भी है या फ्रॉग है या पेन है, ठीक है। और इसी तरह से वीना के आपने याद करने हैं, ये आपके बुक्स हैं, डैट मीन्स कि आपने प्लूरल में जाते हुए दीज आर बुक्स लिखना है और दे से कहना है दे आर वीनास। इसी तरह आप इसका बैग का लिखेंगे, दिस इज़ अ बैग, इट इज़ वीनास, और आपने इसको कंप्लीट करना है। नाउ लुक एट योर पेज नंबर 33। आपने पेज नंबर 33 पे भी बेटा सबसे पहले डेट एंड क्लास वर्क मेंशन किया। नाउ लुक एट योर पार्ट सी, पीपल एंड थिंग्स। क्या कह रहे हैं, मार्क द वर्ड्स, पुट अ सर्कल राउंड द वर्ड्स नेमिंग थिंग्स। अब जो नेमिंग थिंग्स हैं उनके आपने इर्द गिर्द यानी उनके गिर्द क्या लगाना है, सर्कल लगाना है। एंड अंडरलाइन द वर्ड्स नेमिंग पीपल, पीपल नेम्स जो होंगे उनको हमने अंडरलाइन करना है, और जो थिंग्स हैं जस्ट उनको हमने सर्कल करना है। जैसे ये देखिए, अब उन्होंने थिंग्स को सर्कल कैसे किए, जैसे बुक को उन्होंने सर्कल कर दिया। और पीपल नेम जो होंगे उनको हमने अंडरलाइन किया, जैसे हमने यहाँ पर आमिर को किया है। इसी तरह से हमारे पास और वर्ड्स हैं, इनको पढ़ लीजिए। जैसे वो कहते हैं हालिद, लैम्प, स्कूल, सना, सलमान, कप, डो, बासित, पेंसिल, पेपर, बॉय, फरहान, माहा। अब इसमें से आपने सर्कल कैसे करना है कि आपने थिंग्स को सबसे पहले सर्कल करना शुरू करना है, या आप सीक्वेंस ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास हालिद है, डैट मीन्स ये पीपल नेम है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। आपने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, लैम्प। लैम्प अब क्या है, पीपल नेम तो नहीं है ये, यस इट इज़ अ थिंग, तो हमने इसको क्या किया, सर्कल कर दिया बेटा, ठीक है। इसी तरह से आपको एक चीज़ मैं अब समझा दूँ कि जैसे यहाँ पर स्कूल आ रहा है, डॉग आ रहा है या बॉय आ रहा है, इनको आपने सर्कल करना है, आप इनको पीपल नेम में नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। अगर इनका कोई प्रॉपर नेम होता, जैसे बॉय का कोई नेम दिया होता तो हम उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो इस कैटेगरी में आएगा तो जस्ट हम उसको सर्कल करते हैं। अब आपने बिल्कुल इसी तरह से बाकियों को कंप्लीट करना है, ठीक है। पीपल नेम को आपने अंडरलाइन करना है और थिंग्स को आपने सर्कल कर लेना है। नाउ लुक एट योर पार्ट टू, रीड दिस देन राइट वर्ड्स इन द लिस्ट। अब आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है। आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी है, और उसके बाद देखिए नीचे एक कैटेगरी दी हुई है जिसमें आपने पीपल एंड थिंग्स नेम सेपरेट लिखने हैं। यहाँ पर ऊपर आपने जो सर्कल करने थे और अंडरलाइन करने थे, और यहाँ पर आपने लिखने भी हैं जो कि आपने यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। जैसे वो कहते हैं सैम एंड जिल लिव इन अ बिग हाउस। अब आपको मैं एक दफ़ा ये पढ़ के सारा सुना देती हूँ, आपने ध्यान से सुनना है, फिर खुद से भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। सैम एंड जिल लिव इन अ बिग हाउस, इट हैज़ 10 विंडोज एंड 2 डोर्स। मिस्टर पीटर इज देयर फादर, ही हैज़ अ कार एंड अ साइकिल। मिस्टर पीटर सेल्स बुक्स, मिसेस पीटर टीच। सैम एंड जिल हैव अ फ्रेंड कॉल्ड एलन, दे ऑल प्ले विद अ काइट। अब देखिए इसमें से उन्होंने क्या कहा है, आपको पीपल नेम निकालने और थिंग्स, जैसे आप पहले एक सेंटेंस बनेंगे, सैम एंड जिल लिव इन अ बिग हाउस। अब सबसे पहले इसमें से आप वर्ड्स निकाल लीजिए, जैसे सैम एंड जिल पीपल नेम है और हाउस जो है वो आपकी थिंग है, ठीक है। अब आप इनको पहले लिख लेंगे, जैसे आप यहाँ पर सैम लिखेंगे,
बेटा फिर से बताऊंगी कि फर्स्ट लेटर आप जो है नेम्स का कैपिटल लिखते हैं, जिल का जे कैपिटल आएगा और हाउस जो है वो आपके थिंग में चला जाएगा, थिंग्स वाले में आप हाउस लिखेंगे। इसको स्मॉल से भी लिख सकते हैं और कैपिटल से भी लिख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है बेटा। इसी तरह से आपने बाकी पैराग्राफ में से वन बाय वन निकालने हैं पीपल नेम और थिंग्स, और इसको यहाँ पर लिखते जाना है। तो बेटा आपका आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। आपने इस काम को अच्छे से कर लेना है, नीट राइटिंग में करना है क्योंकि आपका चेक भी होगा, ठीक है बेटा। अपना खूब ख्याल रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।